दोस्तों सरकार का फिर से आदेश आ चुका है, जिन लोगों ने अभी तक अपने राशन कार्ड में ईकेवाईसी नहीं किया है उन लोगों को जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड में ईकेवाईसी करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप ईकेवाईसी नहीं करते हैं तो ना आपको राशन मिलेगा, ना ही दोस्तों आप राशन कार्ड को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपका राशन कार्ड किसी भी काम का नहीं रहेगा। और लास्ट डेट भी दोस्तों गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है, तो इस डेट से पहले ही दोस्तों आपको अपने राशन कार्ड में ईकेवाईसी करना पड़ेगा। और ईकेवाईसी करना बहुत ही आसान है, आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से ईकेवाईसी कर सकते हैं। तो कैसे दोस्तों आप अपने राशन कार्ड में ईकेवाईसी करेंगे, पूरा प्रोसेस क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर न्यूज आर्टिकल पढ़ सकते हैं, यहां पर साफ साफ बताया गया है राशन कार्ड धारक 31 मार्च तक करवा ले ईकेवाईसी वरना हो जाएगा स्थायी तौर पर बंद, यानी कि आपका जो राशन कार्ड है वो स्थायी तौर पर बंद हो जाएगा अगर आप 31 मार्च से पहले अपने राशन कार्ड में ईकेवाईसी नहीं करवाते हैं तो। यहां पर साफ साफ दोस्तों लिखा हुआ है और नीचे दोस्तों यहां पर डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे यहां पर भी साफ साफ बताया गया है राशन कार्ड धारक ईकेवाईसी करवाने के लिए प्रशासन ने तारीख तय कर दी है। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार 67% ही ईकेवाईसी हो पाए हैं, यानी कि दोस्तों अभी तक सिर्फ 67% लोगों ने ही अपना ईकेवाईसी करवाया है राशन कार्ड में। आगे देखेंगे राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए सरकार ने करीब 5 बार तारीख बढ़ाई है, सोचो 5 बार जो है तारीख बढ़ाई गई है। वहीं जो उपभोक्ता राशन कार्ड ईकेवाईसी नहीं करवाएंगे उनके राशन कार्ड स्थायी तौर पर बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि दोस्तों अगर आप अपने राशन कार्ड में ईकेवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका राशन कार्ड स्थायी तौर पर बंद हो जाएगा, आप कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ना ही राशन ले पाएंगे। तो कैसे आप घर बैठे ईकेवाईसी करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लो और यहाँ पर सर्च कर लो NFSA, ये लिखकर सर्च कर लेना है। पहला लिंक आ जाता है NFSA का, आप देख सकते हैं इसी लिंक के ऊपर जो है क्लिक करना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर राशन कार्ड का ऑप्शन दिया है ईकेवाईसी करने के लिए, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। दूसरा ऑप्शन आता है राशन कार्ड डिटेल ऑन स्टेट पोर्टल, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद दोस्तों आपके सामने सभी स्टेट यहां पर खुलकर आ जाते हैं। अगर आप मोबाइल में हैं तो यहां पर सभी स्टेट नहीं आएगा, तो आपको जो है डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है, फिर आपको सभी स्टेट देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आपको अपने स्टेट के ऊपर जो है क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे दोस्तों यहां पर हम अपने स्टेट के ऊपर क्लिक करेंगे इस प्रकार से एक पॉपअप मैसेज आएगा, तो इसे आपको यहाँ पर ओके कर देना है, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे इस प्रकार से आपके स्टेट का जो है ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ईकेवाईसी करने के लिए ई सिटीजन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है सर्च योर डिजिटल राशन कार्ड डिटेल, तो इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने पेज आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना राशन कार्ड नंबर टाइप कर देना है, ठीक है। ये जो कैप्चा कोड है इसे आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है, जिसके बाद दोस्तों यहां पर आपके राशन कार्ड का डिटेल ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहां पर आपके राशन कार्ड का पूरा डिटेल जो है देखने को मिल जाता है। और यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे हमारा राशन कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है क्योंकि हमने ईकेवाईसी नहीं करवाया है, ठीक है। यहां पर ईकेवाईसी डन के आगे नो लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ईकेवाईसी नहीं हुआ है। और आधार सीडेड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं नो है, यानी कि ना आधार सीडिंग हुआ है ना ईकेवाईसी हुआ है, ठीक है। इसी वजह से हमारा राशन कार्ड बंद हो गया है। तो यहाँ पर ईकेवाईसी करने के लिए डू ईकेवाईसी का ऑप्शन दिया है, इसी पर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप एक्टिव एंड डीएक्टिव दोनों ही राशन कार्ड में अपना ईकेवाईसी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईकेवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको अपना राशन कार्ड नंबर जो है टाइप कर देना है। राशन कार्ड नंबर टाइप करके सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके राशन कार्ड का जो डिटेल है ये शो होने लग जाएगा। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा गया है आधार इज नॉट लिंक्ड, अभी तक आधार लिंक नहीं है। तो यहाँ पर ईकेवाईसी करने के लिए दो ऑप्शन दिया है, जो है पहला मीन्स लिंक आधार एंड मोबाइल, दूसरा आपको क्लिक नहीं करना है, पहला वाला ऑप्शन जो है इसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो आधार नंबर है उसे सबसे पहले टाइप कर देना है, ठीक है, जो भी जिससे भी आप ईकेवाईसी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर जो है टाइप करना है, कंसेंट देना है इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट करेंगे आपके राशन कार्ड में
ई के वाई सी सक्सेसफुल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब ई के वाई सी हुआ या फिर नहीं हुआ चेक करने के लिए वापस से दोस्तों इस वाले पेज को आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना राशन कार्ड नंबर टाइप कर देना है, कैप्चा कोड को यहाँ पर टाइप कर देना है, सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड का डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे हमारा ई के वाई सी हो चुका है, ई के वाई सी डन के आगे यहाँ पर यस लिखा हुआ आ रहा है और आधार सीडेड इसके आगे यहाँ पर यस लिखा हुआ आ रहा है। आप देख सकते हैं स्टेटस अब एक्टिव हो चुका है, यानी हमारा राशन कार्ड अब एक्टिव हो चुका है, ई के वाई सी भी हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर चेक करना है, अगर आपके राशन कार्ड में पहले से ही ई के वाई सी हो रखा है तो दोबारा से आपको ई के वाई सी करने की ज़रूरत नहीं है, जिसका नहीं है उसको दोस्तों ई के वाई सी करना होगा। अगर आपके स्टेट में ऑनलाइन की सुविधा नहीं है तो ऐसे में दोस्तों आप डीलर के पास जाकर अपना राशन कार्ड आधार कार्ड देकर आसानी से अपना ई के वाई सी करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।